Either. स्माइल तो करो, अभी देखो। थैंक यू। अगर आप सबने देखते हैं नमस्ते सच में यार काल की जी वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूँ आपकी होस्ट और भी सनम शेख आपके साथ। आज हमारे साथ है सुपरस्टार सिंगर 3 के विनर्स अथर्व एंड अविर्भव। यस मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ दो विनर्स देखकर। आप लोगों की क्या हालत हुई थी जब आपको पता चला कि एक नहीं दो विनर्स हैं? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप असली विनर है राइट, एंड आपको वोट्स के अनुसार आप नहीं नहीं ये वोट्स के अनुसार जीता और मैं म्यूजिक के अनुसार। अच्छा मतलब ये म्यूजिक का सिलेक्शन कैसे हुआ? मतलब कि मींस जो जिन नेहा मैम कैप्टन्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री ने मिलके जिसको विनर बनाया मैं हूं, और जो जनता ने जिसको विनर बनाया ये अविर्भव। ओके सो अविर्भव, जानना चाहूंगी कि पूरी जर्नी अगर आपकी देखी जाए तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं जब आया था तब वो ऑडिशन में आया था तब मैं जीत मैं सेलेक्ट हूँगा मैंने सोचा ही नहीं, वैसे सेलेक्ट हुआ। मैंने आज आके फिर उस फिर आया था, फिर उससे टाइम मैंने सोचा ये विनर नहीं बनूंगी। अब दीदी ने बोला 100% होगा ना, मैं बोला ओके। फिर मैंने वैसे भगवान को रात तक करता हूँ प्रार्थना वैसे करके, फिर मुझे ये ट्रॉफी मिला, बहुत अच्छा लग रही मुझे, सब लोग खुश हो गए, सब लोग करेंगे बोलते हैं, बाकी लोग ये शो खत्म हो रहा है ये जानी को अभी देखे ही नहीं। फिर उसका बाद सब लोग रो रहे हैं क्योंकि सैड में, क्योंकि ये आगे थोड़ा सा जाना था पर अभी ये रुका है, फिर सीजन 4 ऑडिशन, फिर सीजन 5 ऑडिशन। वैसे अच्छा किस तरीके से आप अपनी जर्नी डिसाइड करोगे कि जिसके होते हैं ना मस्ती मजाक प्योर, व्हाट डू यू हैव टू से? मेरा जर्नी अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैं ऑडिशन में आया था तभी मतलब मुझे 1% हो भी नहीं था कि मैं शो में सेलेक्ट भी हो पाऊंगा, बट धीरे धीरे कर करके पता नहीं कैसे मैं पता नहीं विनर बन गया, पता ही नहीं चला। और मतलब ये शो का जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है पूरे समय, एंड मैंने पूरी मेहनत की है शो में, और ये शो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे मेंटर्स नीरज कालकर सर, मंगल सर, मेरी दीदी ये लोग, हमारे कैप्टन्स पवन भैया मेरे जो हैं, तो इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड ये मतलब मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल चीज़ हमेशा रहेगा। ओके सो अविर्भव, हाँ आपकी एक्सेंट में आप बहुत फर्क होता है जब आप हिंदी गाना गाते हैं कई सारी चीज़ों में राइट, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता था मतलब एक गाने को याद करना और फिर उसको जो है एक्सेंट को प्रॉपरली प्रनाउंस करना? क्योंकि मैंने अभी देखा है आपने कई बार जो है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सेंट मुझे सुनाई दी थे, बड़े क्यूट लगे थे, लेकिन आप गाने के टाइम पर कोई मिस्टेक नहीं करते थे, तो कितना टफ था आपके लिए वो? टफ मतलब फर्स्ट में ये गाना पीहू के साथ मिलेगा तब वो गाने पे मैं जाऊंगा, तब गाना के नोट्स फर्स्ट में लिरिक्स था, फिर उसका बाद गाने के ये करता गाने की टून, गाने की नोट्स, गाने की गाना कैसे गाना है वैसे 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 पढ़ के रखूंगा। रेन करके नीरज कालकर सर और मंगल सर और निधि दीदी ये तीनों को सुनाना है, फिर उसके बाद हम शूट पे गाएंगे, फिर रिहर्सल करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड में शूट करेंगे, वैसे शूट करके हम लोग गाते हैं। अथर्व, आपको सबसे ज्यादा सोलो परफॉर्मेंस मिले हैं एंड प्लस जो है आपको मौसम बदल दिया टैग भी बहुत ज्यादा मिला कंपेयर्ड, हाँ भूकंप पिछले बार मौसम बदल गया सीजन फेयर के सीजन में, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ब्लेस्ड फील करते हैं आप? बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ क्योंकि मैंने इस शो में अराउंड 65-70 सॉन्ग्स ऑलरेडी गा चुका है, और सब में से मुझे बहुत सारे सोलो मिले हैं, बहुत सारे डुएट मिले हैं, और उनमें बहुत सारे कैप्टन्स के साथ भी मिले हैं, और मींस मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ विद दिस जर्नी, क्योंकि ये जर्नी स्टार्ट से बहुत अच्छा रहा है मेरा, और बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, एंड
सब बोलते हैं मुझे, मैंने उतना काउंट नहीं किया है कि सब बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा मेडल मिला है मेरी। तो मींस अभी ये सब तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अपने म्यूजिक पे ज्यादा और काम करना है और अपने आप को और आगे बढ़ाना है। शो में कोई भी शो करूँ, जब भी मैं करता हूँ तो मैं उसमें बस यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 200% दूँ, और जो जनता है, जो देख रहे हैं, नेहा मैम, हमारे कैप्टन जो है, जो भी देख रहे हैं, सब खुश हो और सब मेरे गाने से सेटिस्फाइड हो। ओके, सो पवनदीप से आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं? बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्ले सिखाते थे आप लोगों को? हम लोगों को ये सिखाते हैं तबला कैसे बजाना है और ड्रम्स कैसे बजाना है, कीबोर्ड कैसे बजाना है, ये सब हम लोग को बताते हैं। और हम लोग म्यूजिक के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम लोग इसका गाने की बात करते हैं। इससे इसी टाइम में हम लोगों को थोड़ा मजा आता है, फिर हम दोनों मस्ती करेंगे। वैसे वैसे हम दोनों और पवनदीप सर और अरुणिता दीदी, ये लोग सब मजे मजे वैसे रखेंगे। आपने क्या सिखाया? अरुणिता दीदी से मैंने सिखाया, अरुणिता दीदी सिखाया मुझे ये गाना है नोट्स वहा वहा है, इसलिए मुझे फाइनलिस्ट बना के विनर बना दिया, फिर मुझे बहुत संतोष है, अच्छी लगी। आपने क्या सीखा? मेरा पवन भैया से एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, और मतलब मैं ऑलरेडी कीबोर्ड और हारमोनियम शो में प्ले किया हूँ, बाकी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे थोड़ा सा ड्रम्स बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, बट उतना नॉलेज नहीं है। बट पवन भैया से मेरा हमेशा इसी टॉपिक पे बात होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक पे ही बात होता है। जैसे अभी मैं पवन भैया के साथ जब भी मिलता हूँ तो हमेशा हम लोग एक ही घंटे तक ऐसे ही बैठ के म्यूजिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, कौन सा वर्जन लेना है, कौन सा मॉडल लेना है। फिर मैं रात में आके मम्मा को बताता हूँ, मम्मा पवन भाई ने मेरे को ये वाला बोला, मुझे ये वाला चाहिए। तो ऐसे ही रहता है। तो वो चीजें मैंने जब पापा को भी बताया तबला इन सब के बारे में, तो पापा ने भी मुझे कल ही एक नया तबला भी गिफ्ट किया, सीक्रेटली मेरे को बताया नहीं, बट पापा ने सीक्रेटली मेरे लिए एक स्पेशल तबला कहीं से बनवाया है। और मेरे को कल मैं आया रात में जीत के, तो दीदी बोलती है यार तुम्हारे लिए पापा ने कुछ गिफ्ट ही नहीं लाया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, गाड़ी में मेरे को बोली। तो मैंने बोला ठीक है, पापा कौन सा मेरे को कभी गिफ्ट दिया आज तक, क्योंकि मेरे को जब भी गिफ्ट मिला मैं मामा मम्मा से मिला। फिर जब घर आए तो मैं लेटा हुआ था बेड पे, क्योंकि ऑलरेडी रात के 1:30 बज रहे थे, तो मैं लेटा हुआ था, एकदम से दीदी ने कुछ लाके मेरे बगल में रख दिया और मैं सोया हुआ था। मैं ऐसे बगल में हाथ रखा तो देखा कुछ है, आंखों में देखा तबला है, तो मैं बाहर जाके पूछा अरे किसने लाया मेरे लिए, तो फिर पापा बता पापा ने लाया। तो ये बहुत स्पेशल मोमेंट था, और थैंक्स टू पवन भैया, क्योंकि पवन भैया ने मेरे पापा को बोला था इसको तबला देना चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा चलता है। तो ये पवन भैया के साथ मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब ऐसी मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलता है, वो बहुत हम्बल है, मतलब मैं अगर उनको बोलता हूँ अरे यार ये वाला कीबोर्ड बहुत अच्छा है और वो बजा रहे होते तो बोलते तुम्हें चाहिए, तो बोलते है कि ये वाला ले लो मैं दूसरा वाला मंगा लूंगा, कोई मतलब ऐसा हम्बल मैंने कभी नहीं देखा। कभी तो विनर हो। ओके, तो यहाँ पे पवनदीप और अर्पिता की टांग खिंचाई सलमान भी वर्कआउट करते थे, उसके बारे में क्या कहना आप लोगों को, कितना मजा आता था टांग खिंचाई में? मतलब क्या बोलते सलमान भैया पवनदीप भैया की और अरुणिता दीदी की टांग खिंचाई करते थे बहुत ज्यादा, तो कितना मजा आता था ये सब? हम लोग हंस रहे थे, हम लोग ये लोग कैसे कुछ बोले रहते हैं कॉमेडी से हर्ष भैया से और नेहा मैम से, नेहा मैम से ऐसे करेगा, नेहा मैम से नेहा मैम के लिए कुछ बोला तो नेहा मैम ऐसे करेगा ऐसे करेगा, कल ही जो किया था नेहा मैम ने ऐसे किया था, फिर उसके बाद हम लोग कसते है, अभी तो हंसी है ना तू, ऐसे हंसते ऐसे हंसते। क्योंकि बहुत लंबा लंबा शूट होता है, सब ऐसा रहता है, तो उसमें मस्ती लाने के लिए करते है सलमान भैया, तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, टाइम पास हो जाता है थोड़ा हल्का सा, और मतलब मजा आता है क्योंकि मस्ती भी करते है, फिर एक अलग मूड एकदम से चेंज हो जाता है, सब सोता सोता एकदम से ऐसा जाता। ओके ओके, तो यहाँ पे जो है अभी तुम एक बार बीच में लाइंस भूल गए थे और पीहू ने आपको बताया था कि नहीं ऐसे नहीं,
अब्राव, तो वो एपिसोड जो है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एंड हाँ, और ऑडियंस को बहुत क्यूट लगा था। आपकी और पीयू के डुएट्स बहुत फेमस थे, तो इसके बारे में क्या कहना है? वो लोग बताते हैं क्योंकि मुझे नहीं आता था, फर्स्ट एपिसोड में आए थे तब मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, पर हम आए थे तब वो पीहू मेरे साथ थे, फिर वो अभी उसे प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर हम लोगों ने वैसे खत्म करके हमने फाइनल बना के विनर दे दिया। पीहू फाइनल बना के दिया था तब, मैंने ट्रॉफी वगैरह पीहू को दिया था, पीहू बोला ऐसे। दोस्ती रखोगे आप शो के बाद? हाँ, फिर वो जो आए थे तब मैंने पीयू को देखा, पीयू रो रहे क्योंकि ये जो जर्नी खत्म होने वाला है, इसीलिए वैसे नहीं किया था। ओके, सो आप क्या कहना चाहेंगे अथर्व, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट पार्टनर कौन लगता था अगर डुएट्स की बात करें तो, कैप्टन में या कंटेस्टेंट में? कैप्टन में तो बेस्ट मेरे को पवन भाई के साथ ही लगता है, क्योंकि पवन भाई के साथ गाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मतलब वो जब भी साथ में गाते थे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उनको देख के एक अलग वाइब आती है, एकदम ऐसा करके गाते हैं लगता है वो। और कंटेस्टेंट्स में हम तीनों का जो ट्राई और मेरा, शुभ्या और क्षितिज का, हम तीनों को गानों में बहुत मजा आता है साथ। आपको बेस्ट किसके साथ कैप्टन में डुएट गाना पसंद है और कंटेस्टेंट में? हाँ, ये जो कैप्टन और इसके साथ भी गाने से मजा आता है, सबके साथ गा। अच्छा, तो अभी फिलहाल शो से कौन कौन से दोस्त बनाकर निकल जा रहे हो? मेरे में मैं शुभ्या, क्षितिज, फिर खुशी दीदी, खबर और आप? मैं और क्षितिज और अथर्व और शुभ और रिशु, खुशी की बेटी, खुशी की बेटी बेटा बेटा खुशी का बेटा, खुशी का बेटा बेटा नहीं भाई 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 ओके। और उसका बाद हाँ, सब लोग मेरी फ्रेंड, सब मेरी फ्रेंड थी। ओके, सो अभी आपको शो मिल चुका है ऑलरेडी, शो खत्म होने से पहले, तो कितना लकी मानते हैं अपने आप को? बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि हम दोनों का भी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट होने वाला है, मैं इंटरनेशनल कभी गया ही नहीं हूँ और मैं पहली बार जा रहा हूँ शो करने, एंड साउथ अफ्रीका में हो रहा है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा अवरभव, शुभोदी भैया और वैभव भैया फ्रॉम आर्टिस्ट 14, हम चारों का होने वाला है, तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप? मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा उसके साथ गाने के लिए और इसके साथ गाने के लिए, बहुत एक्साइटेड। ओके, अभी आगे चलकर कोई शो करना पसंद करोगे, इंडियन आइडल या फिर कोई और सिंगिंग रियलिटी शो? पता नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी बियर्ड में करना चाहते हैं। ओके, फेमस होके कैसा लग रहा है? फेमस होके बहुत अच्छा लग रहा है, एटीट्यूड आया है? हां आ गया एटीट्यूड अभी से। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा विनिंग फैन मोमेंट है जहां पे आपको दिक्कत रहा हो कि सेल्फी लेना है? अरे जब विनर अनाउंस हो गया था तो बाप रे, हाँ रिएक्शन क्या था आपका? बहुत ज्यादा रिएक्शन था मेरा तो, मैं इंस्टेंटली रोने लग गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं जीत भी पाऊंगा, तो मैं एकदम रोने लग गया था। फिर जब मुझे मैं विनर बना रहा तो कम से कम 30 से 40 मिनट में ट्रॉफी पकड़ कैसे रहा और बगल में सब आगे वोट ले रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो। कैप्टन का क्या आपको लेकर रिएक्शन थे? क्या कैप्टन, कैप्टन बहुत अच्छा थे, कैप्टन ने बोला और वो आज क्या ले ओके ऐसे बोला था पंडित भैया ने, आपकी कैप्टन क्या ले ओके ऐसे। आपके टाइम पे सब कैप्टन ने बहुत तारीफ किया, दानिश जावी ने भी मेरे को सपोर्ट कर रहे थे और पवन भाई तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं मुझे, तो मतलब वो तो एकदम यस 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 कर रहे थे, मतलब बहुत खुश हो रहे थे वो तो। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अगर आप विनर नहीं बनते तो आप किसे विनर बनना देखना पसंद करते हैं? मतलब अगर आप विनर नहीं बनते तो आप क्या चाहते, कौन दूसरा विनर बने, कौन डिजर्विंग, कौन? आप? देवी, देवी। ओके, सो फैन से क्या कहना चाहेंगे? फैन से थैंक यू सो मच, आप लोग इतना वोटिंग करके मुझे फाइनलिस्ट बना के विनर बना दिया,
थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद, आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया मेरे को थ्रू आउट द जर्नी, और बहुत प्यार मिला आप सबका, इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। ओके, तो थैंक यू सो मच अविर्भव एंड अथर फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई होप कि आप फ्यूचर में और ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करो और ऐसे ही हमें मिलते रहो। थैंक यू, थैंक यू, दीदी ये क्यों? ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविजन शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।